खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज अब आपको वो बताने जा रहा है जिसे सुनकर बीएमसी की लापरवाही का ये सच सबके सामने होगा। दरअसल सीएसटी के पास ये जो फुटओवर ब्रिज गिरा उसमें जंग लगा हुआ था। 2 साल तक ब्रिज के निचले हिस्से में जो जंग लगी हुई थी उसकी अनदेखी होती रही और इसी वजह से कल ब्रिज का ये हिस्सा जो गिर गया। एबीपी न्यूज ने 2 ब्रिज एक्सपर्ट से बात की जिन्होंने ब्रिज का ऑडिट करने वाली कंपनी और बीएमसी की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। देखिए जरा, ऑडिट होता है और जो जंग लग रही थी पिछले 2 साल से उस पर किसी की नजर नहीं जाती। सीधे सीधे लापरवाही भ्रष्टाचार का ये घालमेल जो ले गया 6 लोगों की जान। लगातार ये कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं तो एक अपराध है और अपराध उन लोगों ने किया है जिन पर इसकी जिम्मेदारी थी इसकी देखरेख की। और स्ट्रक्चरल ऑडिट जेडी देसाई कंसल्टेंट नाम के कंपनी जिनको ये ऑडिट दिया गया था और 2017 में इसका ऑडिट किया गया था और माइनर चेंजेस की बात की गई थी। माइनर चेंजेस का प्रस्ताव भी स्टैंडिंग कमिटी बीएमसी के पास था लेकिन वो प्रस्ताव अब भी पेंडिंग है। मेरे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, मांद्रेकर जी और आर्लेकर जी। ये दोनों इस तरह के फुटओवर ब्रिज बनाने में इनकी कंपनी काम करती है, IIT से ये पढ़े हुए हैं। ऑडिट में क्या खामियां होंगी, किस तरह ऑडिट गलत तरीके से किया होगा, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये ऑडिट जो है ये ऑडिट किस तरह से किया होगा, क्या लगता है आपको? जब हम लोग ऑडिट करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब ऑडिट करते हैं तो बेसिकली अभी जितना भी मुंबई में करते हैं वो विजुअल ऑडिट होता है, उसका कोई एनालिसिस नहीं होता है। विजुअल ऑडिट मतलब सिर्फ देख के रिपोर्ट बनाना होता है क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स है। तो जब ये ऑडिट किया गया होगा तो शायद जो डिफेक्ट्स है इसमें, जो नीचे के जो बीम्स है, जो यहाँ पे एक बीम दिख रहा है लास्ट में, वो बेसिकली ट्यूब है, 2 चैनल का ट्यूब बनाया गया है जिसमें वहाँ पे जो क्रस का बॉटम है, बॉटम कॉर्ड जिसको बोलते हैं, उसको अटैच किए हैं और वो वेल्ड किए गए थे। ये लाल पॉइंटर अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे वो ट्यूब था और ट्यूब में साइड में 2 प्लेट्स थे जिसके ऊपर रिब्स है जिससे वो ट्यूब अटैच किया था दोनों तरफ। तो जहाँ से वो नीचे गया है वहाँ पे कोरोजन होने के कारण जो ट्यूब जिसके ऊपर प्रीका स्लैब्स थे वो नीचे आ गए हैं। तो एक एक करके अगर एक नीचे आ गया तो दूसरे भी नीचे आ सकते हैं क्योंकि कोरोजन यूनिफॉर्मली हुआ है, सब एंगल्स में कोरोजन यूनिफॉर्म। स्ट्रक्चर ऑडिट के दरमियान नीचे से ऑडिट नहीं किया होगा, क्या वो संभव है नीचे से देखना कि किस तरह कोरोजन हुआ है, स्लैब गिर सकता है, या वो संभव नहीं है? जब स्ट्रक्चरल ऑडिट किया होगा तो उन लोगों ने ऊपर जाके देखा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है इस रोड पे, नीचे से जाके इतनी दूर से वो कोरोजन दिख नहीं सकता है। अभी हमें क्लियरली दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, ब्रिज का स्ट्रक्चर है नहीं, लेकिन अगर ऊपर जाके देखा होता तो ये कोरोजन नोटिस किया गया होता क्योंकि जंग लगा था वो दिख रहा है। जो जंग लगा है उसके वजह से एक्चुअली उसकी इंटीग्रिटी फेल होती है और लोड की वजह से, जब जंग लगता है तो लोड कैपेसिटी कम हो जाती है, तो जब लोड कैपेसिटी कम हुए तो एक भी अगर गिर गया तो बाकी पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये बताएं कि ऑडिट के दरमियान इनका काम ये था कि सारे जो बीम्स है जो ये आप बता रहे हैं उसको बारीकी से देखें, नीचे से देखें, ऊपर से देखें, सारे जगह से देखें, यानी नजर उनकी तरफ से गलतियां हुई ऑडिट के दरमियान, क्योंकि माइनर चेंजेस की बात सिर्फ कही गई थी ऑडिट में। अगर 2017 में ऑडिट किया गया था तो उस दरमियान जो कोरोजन स्टार्ट हुआ था 2 साल में, वो कोरोजन 2 साल पहले कुछ तो कोरोजन शुरू हुआ होगा, तो अगर वो कोरोजन था वो ऑडिट रिपोर्ट में ज़रूर नोट किया गया होगा, लेकिन कितना एक्सटेंट कोरोजन हुआ है वो शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा। और कारण 2 साल हो गए अभी, इसलिए कोरोजन जब प्रोग्रेस होता है तो बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होता है। क्योंकि 2 साल के बीच में वापस एक ऑडिट करना जरूरी था या माइनर चेंजेस का जो प्रस्ताव था वो स्टैंडिंग कमिटी अभी पेंडिंग है? मांद्रेकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये 2 साल तक ये क्यों फिर माइनर चेंजेस नहीं किए गए? क्या अगर वो चेंजेस किए जाते तो उससे कुछ ये हादसा टला जा सकता था? अपने इंडिया में कोई सिस्टम ही नहीं है, जो सिस्टम है वो रेगुलर चेकिंग करना चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए और क्या होता है वो देखना चाहिए। ये सिर्फ एक दफा करते हैं बाद में भूल जाते हैं। एक जो ऑडिट किया उसका इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। 2 साल नहीं एक्शन लिया और एक कोरोजन है, ये कोरोजन कभी वार्निंग नहीं देती, कोरोजन का कोलैप्स इमीडिएट होता है।
कभी वार्निंग नहीं मिलती है। बाकी दूसरे कोलर्स में वार्निंग मिलती है, ये कोरोजन कोलर्स में कभी वार्निंग नहीं मिलती। तो ऑडिटर ने और प्रशासन ने क्या करना चाहिए था, अगर 17 में ही अगर ऑडिट कर दिए गए थे? 4 महीना में काम पूरा करना था। ये जो कोई काम होते हैं उसको मिलिट्री में भी बोलते हैं पैरा 11 वर्क, उसके लिए मंजूरी नहीं चाहिए। ये मंजूरी के सिवाय काम करके बाद में वो मंजूरी लेना होता है। जो इमरजेंसी रिपेयर्स होते हैं वो इमरजेंसी रिपेयर के लिए मंजूरी के लिए वेट करना नहीं चाहिए। ये सिस्टम बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं और बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर 17 में ऑडिट हुआ था, ये जो कोरोजन यानी जो जंग यहाँ पर लगा हुआ है, जो जिन पे ऊपर ये इन बीम्स के ऊपर स्लैब रहते हैं, ये जो है आप किस तरह जंग खाए हुए हैं आप देख सकते हैं। और ये यही कह रहे हैं कि जब ऑडिट हुआ होगा तो नीचे से ट्रैफिक होने की वजह से ऑडिटर ने नीचे से आकर उसका जो है उसका जायजा नहीं लिया होगा, या क्या वो स्ट्रक्चर जिस पर स्लैब खड़ा है क्या वो जंग खाया उसको जंग लगा है या नहीं, ये उन्होंने नहीं देखा होगा। ऊपर जाकर अगर देखते तो ऊपर जाकर भी वो कोरोजन दिखता, वो जंग लग रहा है ये दिखता, क्योंकि कोरोजन कोलैप्स कुछ महीनों के अंदर ही हो जाता है और वही हुआ। 17 में ऑडिट हुआ, 18 की अगर हम बात करें तो 18 में जो है यहाँ 18 में ये प्रपोजल स्टैंडिंग कमेटी की, जो बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी जिनके अंदर ये जिनके राइट्स हैं इसका मेंटेनेंस करने के, उनके स्टैंडिंग कमेटी के पास प्रस्ताव रखा गया था माइनर चेंजेस का, लेकिन अब तक वो प्रस्ताव पेंडिंग है। यानी 2 साल हुए, प्रस्ताव आया, ठीक से ऑडिट नहीं किया गया, स्ट्रक्चर में क्या माइनर चेंजेस करने हैं वो कहा गया, लेकिन उसके बाद भी बीएमसी ने इस प्रस्ताव को, स्टैंडिंग कमेटी ने इस ब्रिज की मरम्मत के प्रस्ताव को पेंडिंग रखा, और पेंडिंग रखने की वजह से ही ये हादसा हुआ। हालांकि इंजीनियर्स ये भी कह रहे हैं कि जो माइनर चेंजेस कहे गए थे वो भी गलत है, क्योंकि पूरे चेंजेस की ज़रूरत थी इसमें, क्योंकि कोरोजन यानी जो बीम जिन पर ये स्लैब खड़े थे, वो स्लैब रखे गए थे, बेस थे, उनको नुकसान होने लग गया था और जंग वो पकड़ चुके थे, वो सारे जो पोल्स या जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं, तो वो अगर उसको देखा जाता और तुरंत 4 से 5 महीने के अंदर उसको मरम्मत करने की ज़रूरत थी।